ऐसे ले रहा था गिरने गिरी के तुम अच्छा इसके ऊपर और ये बर्गर वाले भी डाल देते हैं। यस 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 ब्रांड से ज्यादा अच्छे लगे हमारे फ्राइड नंबर लेना चाहिए। ठीक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे फ्रेंड्स, आप सबको शांति कहते हैं आपके अपने चैनल काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट में। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला आप सब खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी आप सब की दुआ और अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक फिटफाट और मजे में। तो देखिए फ्रेंड, मेरे चैनल का नाम है काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट। चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो फुल वॉच किया करें। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखें। कमेंट्स में आप अपनी कीमती राय भी वीडियो रिलेटेड लिख सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं और मेरी प्यारी सिस्टर आपके सारे कमेंट्स का जरूर रिप्लाई देंगे, और जो कमेंट बॉक्स में आप सजेशन लिखेंगे वीडियो रिलेटेड उन पर भी हम अमल करेंगे। थैंक यू। हमारा दूसरा चैनल है ब्लू ब्लेंडेड, वहां पर भी विजिट करें। इंशाल्लाह ताला आपको वीडियो जो है बहुत अच्छी लगेंगी। उस चैनल को भी फैमिली और फ्रेंड से ज्यादा शेयर करें और खुद भी सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने का भी कहें थैंक यू। तो देखिए फ्रेंड, आज हम फिर आए हैं काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट चैनल न्याजी नई वीडियो में। कौन सी रेसिपी शेयर कर रहे हैं आज? फिर हम इवनिंग टू डिनर टाइम शेयर करेंगे। हमारे चैनल पर ज्यादातर इवनिंग टू डिनर टाइम शेयर किया जाता है। इवनिंग में हमारे घर में आता है ताजा बाड़े से दूध, हम दूध निकाल लेते हैं, दूध की अच्छी सी चाय बनाते हैं, और इसके अलावा चाय के साथ शाम के लिए कुछ ना कुछ स्नैक्स होते हैं, या तो बाजार से आते हैं या घर में बनाते हैं। ठीक है, आज हम घर में स्नैक्स बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है, यस। हमने दूध निकाल ली है, अब हम क्या करेंगे ना कि हम थोड़ा सा खंगाड़ डाल लेंगे, दूध हमारा गाढ़ा है। ठीक है, 100% जो है और है। ठीक है, मैं ये दूध के बर्तन खंगाल लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। तो देखिए फ्रेंड, दूध जो है ना, हमने बर्तन भी दूध के धो लिए हैं। yes. इधर जो है चाय का पानी चढ़ाया है, दूध एक कड़ने के लिए चढ़ाया हुआ है, और इधर मुझे प्यारी सिस्टर ने आज चाय के साथ बन रहे हैं फ्रेंच फ्राइज। प्यारी सिस्टर ने मुझे आलू पीली कर दी है। ठीक है, तो ये आलू आज का सावन में दो किस्म का आ रहा है, एक फीका और एक मीठा। ये फीका वाला है, ये थोड़ा महंगा मिलता है। ठीक है, ये
तो आज हम बना रहे हैं स्नैक्स में चाय के साथ क्या बना रहे हैं, आज हम फ्रेंच फ्राइज बना रहे हैं। इसके अलावा हम बना रहे हैं चिकन ब्रोस्ट और KFC स्टाइल बर्गर बना रहे हैं। चिकन ब्रोस्ट वाला वो हम खाते भी रहते हैं, बहुत शौक से हमारे घर में खाया जाता है KFC स्टाइल चिकन ब्रोस्ट, ठीक है। तो वो वाला बना रहे हैं KFC में जो पैकेज नहीं मिलता, जिसमें एक बर्गर होता है जिसके अंदर जिंगर बर्गर होता है और साथ में फ्रेंच फ्राइज होते हैं, साथ कोल्ड ड्रिंक होती है और साथ में ब्रोस्ट होता है, ठीक है। उसके अंदर भी ब्रोस्ट की बॉडी डली होती है, तो वही वाला हम बना रहे हैं। उसके लिए बनाने के लिए ये मैंने चिकन मैरिनेट करके ओवरनाइट रखा था। इसमें मैंने क्या किया था, सिरका डाला, थोड़ा सा पानी डाला, नमक डाला, लाल मिर्च पाउडर डाला और गरम मसाला थोड़ा सा डाला और सफेद जीरा डाला था, ठीक है। और मैंने इसे ओवरनाइट रख दिया था, ठीक है। मैं आपको ओरिजिनल KFC ब्रोस्ट बनाना बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये बर्गर बांस ले लिया हमने 6 और इसके अलावा हमने ले लिए ब्रोस्ट बनाने के लिए केचप, चिली गार्लिक सॉस ली है, ठीक है। यस। और ये मायोनीज है, ठीक है। और ये जो है ना सिस्टर ने मंगवाई है नीम को मुर्ग मसाला, नीम को। तो देखें चाय का पानी भी काट के हम चाय रेडी कर लेते हैं, क्योंकि फिर हमें कढ़ाई चढ़ानी है, कढ़ाई में फ्रेंच फ्राइज बनेंगे और ब्रोस्ट बनेगा, ठीक है। KFC स्टाइल ब्रोस्ट बना रहे हैं, ये हम हर वीकेंड पे हम खाते हैं, वीकेंड में 2 दफा भी खाते हैं जी, बिल्कुल। ये हमारे इधर जो है ना I-10 मर्कज में KFC वाला खुला है, तो उससे हम काफी खा रहे हैं ना। तो इसके लिए देखे मैंने ये चिकन मैरिनेट रखा था, तो मैं क्या करूंगा, मैंने इसके अंदर डालना है ना ब्रोस्ट, तो मैं इसको बोनलेस कर लूंगा, ठीक है। कुछ पीसेस मैं बोनलेस करूंगा जो मैंने इसके बर्गर के अंदर डाल दिया, और जो हड्डी वाला वो होगा वो साबत देंगे, ठीक है। ठीक है, साथ दे देंगे ना। हाँ, साथ दे देंगे। ये देखिए रात भर ये जो है ना वो रहा है, क्या कहते हैं, मैरिनेट रहा है, तो ये काफी जूसी चिकन होगा इस वक्त। यस। वैसे इसके लिए ना वो बगैर हड्डी वाला चिकन लेना चाहिए था, पर हमने नहीं लिया, हमारे घर में हड्डी वाला ही आया था, वही यूज कर। यस। इस तरह के पीसेस में ले लूंगा, पांच बर्गर बनाएंगे उस हिसाब से मैं पीसेस में काट लूंगा, ठीक है। ज्यादातर चौड़ियां है ना। यस। चलो ठीक है, निकाल दीजिए। वाली आ गई है। यस। और मेरे चलते वाले दूध, ये हो गया जगह है, ठीक है ठीक है। तब हम डोसा दूध चढ़ा दें, जब तक हम रोस्ट को ना यहाँ पे ले लेंगे जी, यहाँ पे मैदा, ये देखो सही हो गया। यस।
इसमें डाल लेंगे रेड चिली, सही है? यस। और इसमें चला जाएगा नमक, ताकि बाहर की कोटिंग भी नमकीन रहे। अब इसको कर लेंगे, पानी का बाउल रखेंगे, ऐसे इसमें आइस क्यूब डालने चाहिए। ठीक है, नहीं डाल रहे ये, मैं पहले इसको कर लूंगा क्योंकि मैं फिर इसको पानी में डालना है। ठीक है, ये ऐसे अच्छे से ऐसे करना है आपको, ऐसे करके पानी में डालना। ठीक है, ऐसे करना, ठीक है? यस। ताकि क्रम सही से लग जाए। शायद उबाली तो नहीं आ रही, निकाल लें इसको ऐसे, फिर इसको कोटिंग कर दें। ठीक है, yes. ये कर लूं, फिर मिलते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी तो जब वो डालूंगा तो फिर बताऊंगा। ठीक है, यस। देखिए ये हो गया, यस यस। आप ये मैं डायरेक्ट पानी में डालूंगा इनको भी ऐसे ही हम करेंगे। जो हमने ब्रोस्ट जो है ना, ये वाला वो है, yes. बोनलेस है ये, यानी कि हमने उसके अंदर डालना है। किसके अंदर? बर्गर के अंदर। बर्गर के अंदर जो बनेगा जिंगर बर्गर, ये जिंगर बर्गर बनेगा। ठंडे पानी में डिप कर दो। yes.
दो जरा। यस रख दो। ये भी हम कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। सिस्टर मुझे ना थोड़ा सा मैदा और डाल के देंगे। ठीक है भाई। तो देखिए बर्गर के लिए हमने चिकन जो है यहाँ पर मैदा लगा के रखी है, और जो वैसे खाने के लिए वो यहाँ पर रखा है। चिकन यानी कि चिकन लेग रोस्ट यहाँ पे रखी है, ये सारे लेग्स हैं, और ये जो है ना बर्गर के अंदर डलेगी। ठीक है। yes. तो हम ये तेल सिस्टर ने चढ़ा दिया था, ये है सनफ्लावर कुकिंग ऑयल। ठीक है। yes, yes. अब ये इसमें डालते जाएंगे इस तरह से। एक टाइम में ये सारे हो जाएंगे, ये वैसे खाने के लिए। ठीक है। इन सब में हड्डी है, बोन है। ठीक है। और दूसरे टाइम में वो हो जाएगा। ठीक है। बर्गर के अंदर फिलिंग डाल देंगे, बस इसको छेड़ना नहीं है अभी। ठीक है। यस। इसको कोई चम्मच चम्मच नहीं चला। ठीक है। ठीक है। इसको एक तरफ से होने देना है, मीडियम आंच पर आपको पकने देना है। ठीक है। चाय हमारी रेडी हो गई है। अब हम क्या करते हैं ना कि हम फ्रेंच फ्राइज कट कर लेते हैं ना। यस। देखिए कोई चम्मच चम्मच इसे चलानी नहीं है अभी, बस एक तरफ से पकने देना है। ठीक है। चलो चाय में आपकी रुचि निकालनी है। यस। चाय हमारी डन होगी, चाय चिक्की वाली निकाल लेते हैं वालिद साहब और सिस्टर की। ये हनी डाल देंगे ना। जी भाई बिल्कुल। वालिद साहब और सिस्टर हनी डाल के चाय ले लेते हैं। डाल के देंगे, हाफ कप दे देंगे। आप हाफ कप ये वाला दे दो। ये वाला, ये सही। ये भी हाफ बस बहुत है, बहुत ज्यादा नहीं बस। बाकी में हम चीनी डाल देंगे। सही। क्या खुशबू आ रही है ब्रोस्ट की, लग रहे हैं जैसे हम किसी बड़े ब्रांड के फूड पार्क में खड़े हैं ना। yes.
तो हमारे घर में KFC जो है ना, ये वाला जो मैं बना रहा हूँ, ये डील आती रहती है, क्योंकि हमारी इधर जो है ना I-10 में KFC खुल गया है। ठीक है, खुल गया है। KFC की ब्रांच खुली है, तो काफी रश भी होता है, पर हम डील मंगवाते रहते हैं KFC की डील। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। अभी हमने वीडियो भी रिकॉर्ड की हुई है जिसमें हमने KFC डील खाई है ना। यस। चलो मैं फ्रेंच फ्राइज काट लूं, और चाय हमारी मीठी हो रही है, इसको ना जब ये एक तरफ से हो जाएगा ब्रोस को फिर ही टर्न करना है, वैसे नहीं टर्न करना, नहीं तो इसपे क्रस्ट नहीं आएगा। ठीक है। यस। तो देखिए फ्रेंड्स, सिस्टर ने जो है ना आलू के चिप्स के लिए वेजेस काट दी है। ठीक है। yes. और ये दिखाओ, ये अब एक तरफ से हो गया, मैं अब इसको पलटूंगा। ठीक है। ठीक है, ये देखो फौरन ना पलटे, आराम से पलटे, इसी तरह चिप्सों को भी फौरन नहीं पलटे। नहीं, फौरन तो किसी भी फ्राइंग वाली चीज को पलटा, चम्मच चलाएंगे खराब हो जाएगा, खराब हो जाती है। बस इसको ऐसे, ये देखे, ये ऐसे देखा कैसा खूबसूरत बने, बल्कि KFC से भी ज्यादा अच्छा कर रहे। अच्छा बना है जी, बिल्कुल है ना जी, बिल्कुल। तो अब मैं चिप्स भी काट लेता हूँ, 1 किलो भी। अच्छा, चलो अब हम चिप्स काट लेते, चाय हमारी डन हो गई। ऐसे फ्रेंच फ्राइज बहुत ज्यादा पतले भी नहीं और बहुत ज्यादा मोटे भी नहीं। ठीक है। यस। फ्राइज तो हमारे घर में बहुत शौक से खाए जाते हैं, वालिद साहब जो है ना अपने हाथों से बना के, सर्दियों में सारे बैठते हैं किचन में, वालिद साहब अपने हाथों से बनाते हैं और सब खाते रहते हैं ना। यस, बिल्कुल भाई। और मैं और सिस्टर तो लेट नाइट पार्टी, मेरे सिस्टर भाई जो ये लेट नाइट पार्टी फ्रेंच फ्राइज की बहुत ज्यादा करते हैं, है ना जी। जी करते हैं, फ्रेंच फ्राइज हो गए, नूडल्स हो गए, है ना भाई, ऐसे ब्रोस्ट भी बना लेते हैं, ब्रोस्ट बना लेते हैं, नूडल्स चिकन वाले बनाते हैं ज्यादातर, बिल्कुल नूडल्स भी बना लेते हैं, इसके अलावा फ्रेंच फ्राइज बना लेते हैं, इसके अलावा पापड़ आए होते हैं, पापड़ तल लेते हैं, वो पॉपकॉर्न बना लेते हैं ना। यस, छोटी छोटी भूख लगती है ना। बाहर से बर्गर भी मंगवा लेते हैं मरकज से। यस, बर्गर भी मंगवा लेते हैं। अब तो KFC खुल गया मरकज में, तो आप तो KFC मंगवाया था, कल परसों भी मंगवाया था जी। और दो तीन दफा मंगवा चुके,
यस, हमारा लास्ट बैच भी डल गया। बस अब फ्रेंच फ्राइज को डन करते हैं ताकि इधर स्पेस बन जाए। यस, सबकी प्लेटें लगानी चाहिए ना। ये प्यारी प्यारी वालदा साहिबा की, प्यारी वाली साहब की, प्यारी सिस्टर, प्यारा भाई जुलीर, यस, और प्यारे कश्मीर, ये प्यारी भी। चलो दिखाओ, मलाई डाल दो ना, ਸਾਡੀ ਸ਼ਸ਼ਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਬਰਗਰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਗਰਮ ਹੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ, ਟੇਸਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਆਟੋ ਜ਼ਰਾ ਛੋਟਾ, ਯੈਸ ਯੈਸ, ਛੋਟਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਾ, ਛੋਟਾ ਚੇਤਾ। ਯੇ ਗਈ ਪਿਆਰੀ ਸਿਸਟਰ ਕੀ ਚਾਹੇ ਪੇ ਮਲਾਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ। ये प्यारे वाली साहब की चाय पे मिलाई, ये याद रखना। जी जी जी। ये प्यारी वालदा साहब की, यस। मेरा प्यारा भाई जुनेद, और प्यारे काशी भाई, प्यारी यूट्यूब फैमिली, जो मेरा प्यारे काशी भाई जी, मेरे माशाल्लाह सही नसीब। चाय तो हमारी डन होगी यार, यस यस, चाय पहुंचाओ ना बेटा, फिर बर्गर असेंबल करेंगे और फिर फ्रेंच फ्राइज चढ़ा देंगे साथ साथ, ठीक है। एक इसको पलट लेती, तमाम क्या पलटा, देखो जब एक तरफ से हो जाए ना तभी साइड से इस करेंगे। ये हड्डी के बगैर बर्गर में डालने वाले, ठीक है, बोनलेस है, बोनलेस ब्रोस्ट है, ठीक है। वो वाले ब्रोस्ट जो है ना वो वैसे खाने के लिए, ये बर्गर में डालेंगे और फ्रेंच फ्राइज भी बनेंगे, ठीक है। चाय पहुंचा के आओ टेबल तक, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, जैसा आपका हुक्म। प्यारी सिस्टर ना चाय साफ कराएंगे, अब हम क्या करते हैं कि बर्गर खोल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे जो है ना बर्गरों के लिए जो ब्रोस्ट है बोनलेस वाला वो भी रेडी हो गया, बिल्कुल। कितने ही बर्गर केएफसी वालों के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। एक करूँ है, हाँ रह गया ना, ठीक है, एक और यस। बाबा जी जी, बस अब इसमें प्राइस डाल दें, इसके ऊपर आप लोग प्राइस बोल रहे थे, अच्छा इस
ऐसे डालेंगे ऐसे। सिप्सों में बरकत हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। हाफ डाल दिए फिर ये बाद में बैच डाल देंगे, ठीक है? इसका कवर कहाँ गया? यस। ये है चिली गार्लिक सॉस, ठीक है? यस। और ये मेयोनीज। 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 ये लो एक ऐसे कर। ठीक। कौन से सा टॉप सब में रखे, ठीक है? ठीक। बड़ी बड़ी बोतल सब में रखते हैं तो बहुत बढ़िया है, छोटी वाली तो नहीं। बहुत प्यारा समय बहुत लहसन है ये। ये भी है ना छोटे छोटे। किसने काम है? हाँ ये इसमें इसी में एक में डालूंगा। एक उसमें भी डालो। इसमें इसमें दो हैं। इसमें तो बहुत बड़ी बड़ी है, ठीक है? यस। ये हो गया। अब इनके ऊपर सिंपली कैप चली जाएगी, ठीक है? कैप हमने मायोनीज और की पच लगा दी। सही हो गया। सबको आपने पीछे छोड़ दिया, के एंड एफ सी और डोनल। ये दिखाओ शॉर्ट ले रहे हो? यस यस। एक तोड़ के दिखाओ। ये भी बोनलेस थी, ये तो हमने डाली ही नहीं, साइड पे पड़ी है। ये भी बोनलेस है, डाल दो। शॉर्ट लिए? जी जी देखिए फ्रेंड्स, अब सिस्टर प्लेटिंग कर रही है सबकी। बिस्मिल्लाह। देखिए कितने मोटे मोटे बर्गर है ना। अब सिस्टर इसमें डालेंगी ब्रोस। बिल्कुल। एक साइड पे रखते हैं। यस। ये देखा फ्रेंड्स, इधर लो। ये लेग पीस जाएंगे सब में, है ना? यस यस यस।
अब ये देखो फ्रेंड्स, बाकी पार्ट्स भी चले जाएंगे। प्यारे वालिद साहब को मिल जाएगी, वालिद साहब वालदा साहब की भी स्पेशल, वालदा की भी स्पेशल ये वाली कर देते हैं। इनके साथ थोड़े थोड़े फ्रेंच फ्राइज भी जाएंगे, जगह रहने देना। देखिए फ्रेंड फ्राइज देखते हैं, देखिए लाल हो गए है ना। यस, कितना प्यारा कलर है। अब हम निकाल लेंगे ना, फ्राइज भी निकाल देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब सिस्टर ने इसमें मसाले डाले हुए, मैं आपको वो कैप्चर करके बताऊंगा। सिस्टर ना बहुत अच्छा मसाला डालती है इसमें, स्पाइसी सा टाइप का। सिस्टर तीन चार मसाले डालती है ना। बिल्कुल भाई, लाल टाइप की मसाले, इसको कवर अप कर देता हूँ मैं। ठीक है, हमेशा फ्रेंच फ्राइज आप बड़ी बड़ी जगह पे देखे ना, तो कवर अप करके पकाए जाते हैं। अब सिस्टर ना मुझे कैमरा हैंड ओवर करती है और सिस्टर मसाला डालेगी, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम नमक डाल देंगे। यस, ये हमारी ऑल स्पाइसेस की, ऑल स्पाइसेस की। फिर हम ब्लैक पेपर। यस, ये घर की कुटी मोटी काली मिर्च है। यस, रेड चिली। यस, फिर हम ये चाट मसाला डाल देंगे। यस, और बस चीनी में थोड़ा और डाल देंगे बस। अब सिस्टर करेंगी मिक्स मिक्स है ना। यस यस, समझ लो। ऐसे समझ के हो गया सकता। ठीक है, यार इक्वल हो जाए ना। यस, स्पाइसेस जो है हर तरफ डिवाइड हो जाए। यस यस, अब प्लेटें ले लेती हूँ। यस, हालांकि समझ भी है लेकिन ना हाथों से दम। अब आप बना लो आराम से। ठीक है, ठीक है भाई, तसल्ली से।